मम्मी प्लीज ना। ईश्वर, मैं तुम्हें कितनी दफा मना कर चुकी हूँ, फिर जिद क्यों कर रही हो तुम? अब्बू अब्बू प्लीज आप ही कहना अम्मी को, मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। बाबा आपकी गाड़ी की चाबी किधर है? क्या हो गया, ये ईशन किस बात की जिद कर रही है? पूछ लो खुद ही, फ्रेंड्स से ट्रिप पे जाना चाह रहे। देखें भाई, मेरे कॉलेज की सारी फ्रेंड्स आउटिंग पे जा रही है, बस मामा ही मुझे नहीं जाने दे रही। तुम्हें हमारे घर के हालात का पता तो है ना, तुम्हारे अब्बू कोई लैंडलॉर्ड तो है नहीं कि मैं जाके अलमारी खोलूंगी और 15-20 हज़ार लाके तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगी। अम्मी जाने देना, अब कॉलेज का ट्रिप है, इतना तो बनता है। बेटा मैं तो कब से कह रहा हूं तुम्हारी अम्मी को कि बच्ची है जाने दो, लेकिन ये है कि किसी की सुनती नहीं। हाँ, और जब महीने के आखिर में खर्चा कम पड़ जाएगा तो पता है कहाँ से करूंगी मैं? तो खदीजा 3-4 हज़ार से क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं होता, जाने दो उसको। 3-4 हज़ार की बात नहीं है, एक फ्रेंड से जाएगी ट्रिप पे, वहाँ जाके रहेगी, खाए पिएगी, शॉपिंग भी करेगी, पर जाने के लिए फिर कपड़े भी तो चाहिए होंगे ना। 15-20 हज़ार से कम का खर्चा नहीं है। 3-4 हज़ार होता तो हो जाता। मी जाने दे, पैसे मुझसे ले लीजिएगा। तुम कहां से दोगे? हाँ, मेरे खर्चे से काटोगे ना? अम्मी मैंने एक ऑनलाइन काम किया, पैसे हैं मेरे पास, आप फिक्र ना करें। थैंक यू सो मच भाई, ले आपका मसला हल हो गया। देखो ईशन, समझो कि आखिरी दफा है, तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है कि तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे भाई कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। और ईशन, हमेशा ये एक्सेप्ट ना करना। मामा एक्सपेक्ट, हाँ वही। अच्छा ठीक है, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। ये लो यार। अच्छा मामा, एक जरूरी काम से आ रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में आ रहा हूँ बस। खैर से जाना बेटा।